वेलकम टू श्री जी फूड। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रेश अनारदाना को हम फ्रिज में स्टोर कैसे कर सकते हैं। अनारदाना हम बहुत सारी रेसिपी में यूज करते हैं और जब उसे हर रोज यूज करना होता है तो उसे छीलना थोड़ा बोरिंग वर्क बन जाता है कभी कभी। तो अगर हम इस तरह से स्टोर करके रखेंगे तो हम इसे किसी भी रेसिपी में बहुत इजीली और क्विकली यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने ये अनारदाना को छील लिया है, अभी इसे वॉश नहीं किया। आपको इसे साफ कर लेना है, इसमें कोई खराब या बिगड़ा हुआ कोई दाना ना रहे। अगर एक भी दाना बिगड़ा हुआ होगा तो वो दूसरे दानों को भी खराब कर देगा। तो आप उसे साफ कर ले, लेकिन अभी वॉश ना करें। और इसे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक एयरटाइट कंटेनर और दो टिश्यू पेपर। तो चलिए हम इसे स्टोर करते हैं। इस तरह से एक टिश्यू पेपर हमें कंटेनर के नीचे रख देना है और इसके ऊपर अब हम ये अनारदाना डाल देंगे। अब इसके ऊपर ये दूसरा टिश्यू पेपर हम रख देंगे। इसको इसके ऊपर हमें टाइटली ये दाने कवर हो जाए इस तरह से नहीं रखना। जस्ट इसे थोड़ा सा इस तरह से लाइट हैंड इसके ऊपर रख देना है। इसे दानों के ऊपर प्रेस नहीं करना, इसे ऐसे ही हमें रखना है और इसका ढक्कन बंद कर देना है। अब इस तरह से हम इस कंटेनर को बंद करके इस अनारदाना को फ्रिज में 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। 4-5 दिन बाद एक बार इस डिब्बे को खोल के देख ले, शायद कोई खराब दाना अंदर हो गया हो तो उसे आप निकाल ले ताकि दूसरे दाने खराब ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।